हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद पंकज सर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल और डिटरमिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये होता है कि देश में कितने स्किल्ड, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस ह्यूमन बीइंग हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इसको ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल आल्सो कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिफर टू द वेज ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द इकोनमी। सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल को डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल की स्टॉक इकोनॉमी में बढ़ रही है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वेज ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल एज अंडर। फर्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज द मोस्ट अफेक्टिव वे ऑफ राइजिंग अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इन द कंट्री। It is therefore a very important determinant of human capital formation. Most families decide to incur huge expenditure on education, even when they have to raise loans. किस तरीके से stock of human capital बढ़ेगा, उसके कुछ तरीके हैं, अब हम discuss करते हैं। पहला तरीका है expenditure on education. कोई भी कंट्री है अगर एजुकेशन सेक्टर में खर्चा करेगी, जिससे जो है प्रोडक्टिव वर्कफोर्स कंट्री में होंगे। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। कई सारी फैमिलीज बहुत सारा खर्चा एजुकेशन पे करती हैं, चाहे उनको लोन क्यों ना उठाना पड़े। रीज़न, रिटर्न ऑन सच एक्सपेंडिचर्स आर सब्सटेंशियली लार्ज। Education enable an individual to make a good living throughout his life. His total earnings during his lifespan would far exceed his initial expenditure on education. Education पे क्यों खर्चा करना चाहिए, इसके क्या रीज़न है। जब education पे खर्चा करेंगे, उसके बाद जो हमें return आएगा, हल्के हल्के क्या आएगा, large आएगा। मान लो कोई बच्चा है, अगर हम उसको अच्छे school, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, तो हल्के हल्के वो कुछ ना कुछ फ्यूचर में बन जाएगा। जब वो बन जाएगा तो हल्के हल्के स्टार्टिंग में जो है रिटर्न कम आएगा, लेकिन जब वो कोई बड़ा अफसर या बड़े ओहदे पे पहुंच जाएगा, तो जितना भी उसने एजुकेशन में खर्चा करा है, उसका सारा रिटर्न उससे ज़्यादा वापस आएगा। अगर कोई पढ़ लिख जाएगा, जब वो कुछ बन जाएगा, उसकी टोटल अर्निंग कई गुने ज़्यादा होगी जो उसने इनिशियल एजुकेशन में खर्चा किया होगा। सेकंड इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज एन ओल्ड सेइंग। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स अ मैन मोर एफिशिएंट एंड देयरफॉर मोर प्रोडक्टिव। हिज कंट्रीब्यूशन इन द वैल्यू एडिशन प्रोसेस tends to rise. He adds more to GDP of the nation than a sick person. Second, क्या सोर्स है जो ह्यूमन कैपिटल को अफेक्ट करता है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। किसी भी इंडिविजुअल का दिमाग तब अच्छा होगा जब उसका शरीर भी अच्छा होगा। कोई भी इंडिविजुअल अगर उसकी बॉडी हेल्थी है, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, तो वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन होगा, जिससे जीडीपी भी नेशन की बढ़ेगी, अगर हम कंपेयर करें सिक पर्सन से। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिंस, वैक्सीनेशन, क्यूरेटिव मेडिसिंस, मेडिकल इंटरवेंशंस एट द टाइम ऑफ इलनेस, सोशल मेडिसिन, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी एंड प्रोविजंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर कंट्री में हेल्थ फैसिलिटी पे ध्यान दिया जाएगा, यानी कि ह्यूमन बीइंग के लिए प्रिवेंटेटिव मेडिसिंस जैसे वैक्सीनेशन, क्यूरेटिव मेडिसिंस जैसे मेडिकल इंटरवेंशन एट द टाइम ऑफ इलनेस,
सोशल मेडिसिन, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी एंड प्रोविजंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन, इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाएगा तभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो पाएगा। अगर हमारी कंट्री में अच्छे डॉक्टर्स होंगे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी होगी, किसी भी लोगों को बीमारी नहीं होगी, लोग ढंग से काम करेंगे और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। आपने देखा होगा जब COVID-19 आया तो उस टाइम में वैक्सीनेशन प्रोवाइड की गई थी जिससे कई लोगों को COVID-19 से बचाव मिला। हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ हेल्थी लेबर फोर्स एंड इज दस अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर कोई भी कंट्री हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करेगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी, मेडिसिन्स पे एक्सपेंडिचर करेगी, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के लिए देगी, तो उससे जो लेबर होगी हेल्थी होगी, जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प्स वर्कर टू होन शार्पन देयर स्पेशलाइज्ड स्किल्स। इट अनेबल्स देम टू राइज द लेवल ऑफ देयर एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी। थर्ड सोर्स आता है ह्यूमन कैपिटल का ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जब एम्प्लॉय कोई जॉब कर रहा है तो उस टाइम पे अगर कोई लीडर उसको ट्रेनिंग देगा जिससे वो एक स्पेशलाइज्ड स्किल को डेवलप कर पाएगा, जिससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन में वो अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। फर्म्स आर ऑलवेज इंक्लाइंड टू अंडरटेक ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बिकॉज रिटर्न ऑन द अकाउंट ऑफ एनहांस प्रोडक्टिविटी फार एक्सीड द कॉस्ट ऑफ सच प्रोग्राम्स। कोई भी फर्म्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को देनी चाहिए जिससे एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो कॉस्ट फर्म ऑन द जॉब ट्रेनिंग में लगाएगी उससे ज़्यादा फर्म को रिटर्न प्रोडक्टिविटी में आएगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स। वर्कर्स में भी ट्रेन इन द फर्म्स इटसेल्फ अंडर सुपरविजन ऑफ स्किल्ड वर्कर। सेकेंड, वर्कर्स में भी सेंड फॉर सम ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। The firms prefer to retain the trained workers with a view to enjoying the benefits of higher productivity. On the job training के कई सारे forms हैं। Worker जो है trained खुद हो सकता है skilled worker के supervision में, या worker को campus में training दी जाए। Firm जो है trained workers को hire करे ताकि जो है firm को higher productivity का benefit मिल सके। अगर कोई भी फर्म है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक्सपेंडिचर करेगी जिससे क्या होगा एम्प्लॉयज की स्किल्स और नॉलेज बढ़ेगी और एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा। नेक्स्ट, स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स। अदर देन फॉर्मल एजुकेशन एट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल्स, द गवर्नमेंट एंड NGOs ऑर्गेनाइज स्टडी प्रोग्राम्स फॉर adult to make them proficient in their work areas. This enhances their productivity, serving as a source of human capital formation. Adult के लिए study program भी government को बनाने चाहिए। Primary, secondary और university level education से अलावा government और NGOs ने कई study program बनाए हैं जिससे वर्कर्स की जो है परफॉर्मेंस अलग अलग वर्क एरियाज में अच्छी हो सके, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी होगी। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन कंट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट्स फैसिलिटेट यूटिलाइजेशन ऑफ अदरवाइज इनएक्टिव स्किल्स ऑफ द पीपल और इट फैसिलिटेट fuller better utilization of the skills. Yet people migrate in search of better job opportunities because gains of migration in the terms of higher salaries are greater than cost of migration, implying that migration leads to human capital formation. Migration bhi ek karan hai jisse human capital formation ho sakta hai। माइग्रेशन से भी जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन
होता है। माइग्रेशन का मतलब ये होता है लोग जो हैं जॉब के लिए या एजुकेशन के लिए या कोई और कारोबार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको माइग्रेशन कहा जाता है। अगर लोग गांव में रह रहे हैं, गांव से लोग शहर में जा रहे हैं एजुकेशन के लिए या कोई काम के लिए या जॉब के लिए, तो उससे क्या होगा, जो मान लो गांव में हिडन टैलेंट है वो क्या होगा, सामने आएगा और लोगों की स्किल्स सामने आएंगी, जिसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। लोग जब गांव से शहर में आएंगे या एक जगह से दूसरी जगह किसी काम के लिए या एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए अगर लोग जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाएंगे, तो उससे क्या होगा, लोगों की स्किल डेवलप होगी, लोगों को एक्सपीरियंस होगा, जिससे हमारी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, जो माइग्रेशन का गेन होगा यानी कि लोगों की ज़्यादा सैलरी होगी, तो जो जितनी कॉस्ट माइग्रेशन में लगी है वो कम होगी। तो इसीलिए माइग्रेशन भी जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।